स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने उन ग्राहकों का सम्मान किया जिन्होंने समाज के लिए लाभदायक कार्य किए हैं और जिनकी उम्र 75 वर्ष की है। ऐसे में सिंधु एजुकेशन सोसाइटी की पूर्व प्रिंसिपल दादी पुत्री लालवानी का भी सम्मान किया गया। ऐसे में क्या है उनका कहना, आइए सुनते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 5 सितंबर 2021 शिक्षक दिवस के उपलक्ष में पूरे देश भर में ऐसे शिक्षकों को सम्मानित किया गया जिन्होंने देश के अमृत उत्सव आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अपने 75 वर्ष पूरे किए हों और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारक भी हों। इसी उपलक्ष में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उल्हासनगर ब्रांच द्वारा शहर की जानी मानी शिक्षिका जिन्होंने शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों को चाहे वह राजनीतिक जीवन से हो, व्यापारिक जीवन से या फिर सामाजिक जीवन से, उनको शिक्षा देकर उचित स्थान पर पहुंचाया। ऐसी हमारी शहर की शान शिक्षिका सिंधु एजुकेशन सोसाइटी की पूर्व प्रिंसिपल दादी पुत्री लालवानी जी को 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा उल्हासनगर में बैंक मैनेजर श्रीमती ज्योत्सना राउत द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मानित इसलिए किया गया क्योंकि उनको वो लोग चाहिए थे जो 75 और अबव हो, उनका वहाँ पर अकाउंट हो और पब्लिक फिगर हो, हिट और फिट हो। आपकी वर्किंग जानना चाहेंगे, किस तरीके से वर्किंग रही आपकी? मैं म्यूनिसिपल काउंसलर होकर रही, स्कूल बोर्ड की वाइस चेयरमैन होकर रही, प्रिंसिपल होकर रही और जितना हो सका है बच्चों को फ्री शिक्षा दी है कि जैसे, क्योंकि वही जो है ना जिंदगी के आगे चलकर चलाने वाले हैं। हम तो चले जाएंगे लेकिन कुछ हम निशानियां तो छोड़ के जाएं, तो उनको हम ऐसी शिक्षा देते हैं कि कुछ बन के दिखाओ। जिंदगी एक बार मिली है, उसको जी भर के जियो। लिव रिच डाई पुअर। किस स्कूल में जो है आपने 40 वर्ष तक कार्यरत रहे? लिव रिच डाई पुअर, जियो ऐसे जैसे सब तुम्हारा है, मरो ऐसे जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। तो ये हमारा ध्येय है और वो उस ध्येय को पूरा करना है। और आज के जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा होशियार है, उनको जो है कंप्यूटर वगैरह का सब नॉलेज है और वो हमसे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। आज भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अमेरिका में हैं, जर्मनी में हैं, आज तक उनके साथ मेरा कांटेक्ट है, वो भी बहुत वहाँ पर तरक्की करके गए हैं और मैं बहुत खुश होती हूँ जब वो मेरे से बात करते हैं। 15 सितंबर को मेरा बर्थडे है तो उस दिन बहुत से लोग विशेस करते हैं, मैं खुश हो जाती हूँ। ये साल और भी भाग्यशाली बना कि 4 तारीख को मेरे को फ़ोन आया स्टेट बैंक से, आप आ जाओ, और मेरे को बहुत अच्छी तरह से सम्मानित किया गया। तो मैंने जो ज़िंदगी में इतना परिश्रम किया, मेहनत की, उसका रिवार्ड मुझे मिला, इसलिए मैं एकदम खुश हूँ। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।